नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल चूल्हा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही कम समय में बहुत ही टेस्टी मावा सत्तू से बर्फी बनाने जा रहे हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सत्तू और मावा से बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स को काट के रख लेंगे। तो आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स आप बर्फी में डालना चाहते हैं, उस ड्राई फ्रूट को आप इस तरीके से काट के रख लीजिए। इसके बाद अब हम इस तरीके से एक मिक्सी का जार लेंगे। तो यहाँ पे मैं चीनी को इस जार में डाल ले रही हूँ। और चीनी को डालने के बाद अब हम इसमें 4 से 5 इलायची डालेंगे। चीनी की मात्रा आप बर्फी में अपने अनुसार से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस चीनी को पीस के रेडी कर लेंगे। और यहाँ पे हमने चीनी और इलायची को इस तरीके से पीस के रेडी कर लिया है। सत्तू और मावा से बर्फी बनाना शुरू करते हैं। बर्फी बनाने के लिए इस तरीके का एक कढ़ाई लेंगे और इस कढ़ाई में अब हम मावा डालेंगे। मावा मैं यहाँ पे 250 ग्राम यूज कर रही हूँ। मावा को इस तरीके से हाथों से तोड़ते हुए डालेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रख के इस तरीके से इस मावा को पकाएंगे। अब हमारे इस मावा को पकते हुए 1 मिनट हो चुका है और हमने इसी तरीके से चलाते हुए पकाया है। चलिए अब हम यहाँ पे 1 छोटा चम्मच घी डालेंगे। तो इस तरीके से 1 छोटा चम्मच घी डाल लेंगे और घी डालने के बाद इस मावा को एक बार फिर से इस तरीके से चलाते हुए पकाएंगे। और आप देख सकते हैं मावा है पूरी तरीके से मुलायम हो चुका है। मावा और सत्तू की बर्फी है बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम सामग्री में टेस्टी बर्फी बन के रेडी हो जाती है। अब हमारा यह मावा है को हमने 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में इस तरीके से पका लिया है। तो चलिए अब हमने इलायची और चीनी को पीस के रेडी किया है। उस चीनी पाउडर को भी अब हम इस मावा में डाल लेंगे। और चीनी पाउडर को डालने के बाद एक बार फिर से इस तरीके से मावा चीनी पाउडर को मिक्स करेंगे। और अब हमने मावा चीनी को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। चलिए अब हम इसमें कटे हुए बादाम डालेंगे, थोड़े से कटे हुए काजू डालेंगे। एक बार फिर से इस तरीके से चला के पकाएंगे। और इस तरीके से कटे हुए काजू और बादाम को डालने के बाद अब हम 1 कप सत्तू डालेंगे। 250 ग्राम में मैं यहाँ पे 1 कप सत्तू ले रही हूँ। इस सत्तू को भी अब हम डाल लेंगे। और सत्तू को डालने के बाद एक बार फिर से सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। सत्तू को डालने के बाद 1 से 1.5 मिनट के लिए हमें मावा सत्तू को पका के रेडी करना है। अब हमारे इस मावा सत्तू को पकाते हुए 1.5 मिनट हो चुका है। चलिए अब हम यहाँ पे गैस बंद कर लेंगे और इस मावा सत्तू को एक ट्रे में डाल के सेट करेंगे। मैं यहाँ पे इस तरीके का एक ढोकला बनाने का सांचा को ले रही हूँ। जो भी बर्तन है तो उस बर्तन को भी आप ले सकते हैं। सांचा में अब हम इस तरीके से घी लगा लेंगे। और घी लगाने के बाद अब हम इस मिश्रण को इस ढोकला के सांचा में डालेंगे। ऐसे इस तरीके से पूरी तरह फैलाते हुए बराबर कर लेंगे। इस मिश्रण के ऊपर में हम हल्का सा इस तरीके से ब्रश की मदद से थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। ऐसे बिल्कुल इस तरीके से ऊपर की सतह को बिल्कुल चिकना कर लेंगे। और चिकना करने के बाद अब हम इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। कटे हुए बादाम को भी डाल लेंगे। इस तरीके से हल्का सा दबा लेंगे ताकि यह इस सत्तू और मावा के में अंदाज में अच्छे तरीके से सेट हो जाए। चलिए अब हम इसे 15 मिनट के लिए फ्रिज में डाल देंगे ताकि यह अच्छे तरीके से सेट हो जाए। उसके बाद हम सर्व करेंगे। अब हमारा यह सत्तू और मावा से बर्फी है अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। चलिए अब हम इसे काट लेंगे। इस तरीके से छोटे छोटे साइज में काट के रेडी करेंगे। एक बार फिर से इस तरीके से काट लेंगे। सत्तू और मावा का बर्फी को हमने काट के रेडी कर लिया। चलिए अब हम इसे निकालेंगे। तो इस तरीके से निकाल लेंगे। चलिए अब हम सत्तू और मावा के बर्फी को निकाल के प्लेट में डेकोरेट कर लेंगे। अब हमने सत्तू और मावा से टेस्टी बर्फी बना के रेडी कर लिया है और हमें इसे बनाने के लिए 15 मिनट का समय लगा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कमेंट करके जरूर बताएं।